हम टेररिस्ट तो नहीं है, माथे पे तो नहीं लिखा है, कौन से दंगे हमने किए। पाकिस्तान से बेहतर हम इंडिया के साथ में है। पत्थर चलाना हमारी मजबूरी है, देखिए या तो पत्थर उठाना है या तो बंदूक उठानी है। क्यों मारते हैं पत्थर, क्यों अफरा दफरी करते हैं? अगर मैं पत्थरबाजी करता तो वो मुझे मारते तो मुझे मेरा हक था, मुझे पता नहीं क्यों मारा उन्होंने। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इंडिया का है, एक ही हिसाब से देखना पड़ेगा ना सभी को, पर भी हमारे नफरत करता है, हमारे ऊपर पेट्रोल पंप फेंकता है। जब हम सुबह निकलते हैं ना तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना होता है, और इंशाल्लाह मुझे ना गोली की कुछ परवाह है ना पैलेट। इधर भी हिंदुस्तानी, उधर भी हिंदुस्तानी, इधर भी सिसकियां, उधर भी आंसू, इधर भी गुस्सा, उधर भी शिकायतें। न वो कुछ जाने न इन्हें कुछ पता, बस जो है सामने है। जन्नत में स्वागत है आपका। हाथों में पत्थर उठाए ये नौजवान किसी दूसरे मुल्क के नहीं है, हमारे ही मुल्क के हैं, हमारे ही कश्मीर के हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ चारों तरफ का माहौल देखकर आपको नॉर्मल सी नहीं महसूस हो रही होगी, नॉर्मल सी यहाँ है भी नहीं, क्योंकि ये वो कश्मीर है जो जल रहा है, जहाँ के नौजवानों ने हाथों में पत्थर उठा रखा है, जहाँ गुस्सा बहुत ज़्यादा है। सवाल यह है कि आखिर ये गुस्सा किस बात का है, आखिर किस बात के लिए नौजवान इस तरह से फौज के सामने खड़े हैं। और इन्हीं सवालों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो यानी कश्मीर। चेहरे पर नकाब, जुबां पर नारे और हाथों में पत्थर, विरोध का ये तरीका बहुत से नौजवान जानते हैं लेकिन नतीजा कोई नहीं। शहर के सरकारी अस्पताल में ऐसे तमाम नतीजे बिखरे पड़े हैं। नासिर शायद अब दोबारा देख ना सके, पैलेट गन के छर्रे उसकी आंखों को छलनी कर चुके हैं। जैसे उन्होंने गांव वालों ने ऐलान किया कि कुछ लड़कों को उठाया गया है, मैं देखने गया कि क्या बात है वहां से। जैसे ही मैं गेट से निकला वैसे ही एक पैलेट आया और मेरी आंखों में चला गया और इंजरी हुई। उठाया गया या नहीं उठाया कौन जाने, बस कुछ अफवाहें इन नौजवानों का यकीन बन जाती हैं। मुझे तो एक सपना भी नहीं लग रहा है, मैं तो अभी तक सोच रहा था शायद मैं सपना ही देख रहा हूँ, कब जाग जाऊँगा पता नहीं। नासिर जैसे और भी हैं जो सिर्फ लकीर के उस तरफ होने की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों के लिए पत्थरबाज सिर्फ एक भीड़ है, कोई चेहरा नहीं। तो तुम्हारी गोली कहाँ लगी? ये टांग में। एक टांग में गोली लगी। दोनों में लगी है। दोनों में लगी। भागते भागते पहले इसको लगी, फिर भागते भागते इसमें दो लग गई। लोग मजबूर हो जाते हैं कुछ अपनी जिंदगी बचाने के लिए। हमारे पास कौन सा हथियार है? हमारे पास हमारे नौजवानों के पास ये पत्थर है, ये उठाते हैं फेंकते हैं, और इस फौजी को पत्थर से क्या हो जाएगा, उसको तो ऊपर से नीचे तक सेफ्टी होती है ना सर। वो लोग पैलेट चलाते हैं, हम लोगों पर गोलियां बरसाते हैं। इस गुस्से में जलकर कुछ नौजवान सही और गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। मेरी जिंदगी इस वक्त बहुत खराब है, मेरा जिंदा रहना ना रहना तो फजूल बात है। सर हम मजदूर लोग हैं, अगर ये बाजू ठीक नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही उम्र भर बेकार रह गया। बिलाल का दर्द हमारे सीने पर भी बिजली की तरह गिरा। I am belonging to a very poor family.
very poor family. I am studying in IGNO, MA in history, and plus private job. डॉक्टर कहते हैं कि एक गोली बिलाल की कोहनी पर लगी है, लेकिन बिलाल कहता है वो गोली उसके ख्वाबों पर लगी है, जिसकी चिंगारी में उसका हर सपना जलकर राख हो चुका है। सोचा तो बहुत था, जिस कंपनी में मुझे काम मिल गया था वो दिल्ली में भी है, वो बेंगलोर में भी है, तो वहाँ कंप्यूटर चलाते चलाते मैं आगे आगे जाता, पहले दिल्ली जाता, दिल्ली से आगे बेंगलोर जाता, तो अच्छे खासे पैसे कमाते, अब तो एक हाथ से नहीं होगा ना। हाथ ठीक हो पाएगा उसे नहीं पता, बस इतना पता है कि वो नहीं रहा तो परिवार भी नहीं होगा। काफी डिप्रेशन में, काफी, कभी घरवाले याद आते हैं तो कभी अपना जख्म याद आता, तो कभी अपनी डिग्री याद आती है, सोचता हूँ पूरा का पूरा बेकार हो, क्यों मैं इस दुनिया में आया था, मेरा पता नहीं मेरा कसूर क्या है, इसलिए मैं ज्यादा रोता हूँ। अगर मैं पत्थरबाजी करता तो वो मुझे मारते, तो मुझे, मेरा हक था, मुझे पता नहीं क्यों मारा उन्होंने मुझे, काश अगर उनके पास ये बात, उनके पास जाए तो मुझे बताए क्यों मारा हमने उनका। सड़कों की इस खामोशी में थोड़े शिकवे भी थे और थोड़ी सियासत भी। 2 महीने से सब कुछ बंद है, कोई दुकान खोलना भी चाहे तो धमकियां इश्तिहार बनकर दीवारों पर चस्पा हो जाती हैं। तन्हाई में उलझी डल झील को पहचान पाना भी मुश्किल था। 2 महीने गुजर गए लेकिन इन मेजबानों को कोई मेहमान नहीं मिला। इस डल झील में आपने लाखों टूरिस्ट को देखा होगा, इन हाउस बोट्स में आपने हजारों लोगों को देखा होगा, लेकिन आज डल झील में सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है। पैसों का जो नुकसान है, बिजनेस का जो नुकसान है, वो तो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन इससे एक आम कश्मीरी के जहन में, उनके दिल में क्या नुकसान हो रहा है, ये शायद किसी को भी नहीं पता। 56 दिन से हाउस बोट के मालिकों का दिन इसी चौखट पर गुजर जाता है, कभी बेहतर कल की उम्मीद में, कभी अमन के इंतजार में। 56 डे से यहाँ पे ब्लैक आउट में है। आप अगर आप देखेंगे जो जो ये बिलवाड़ रोड है, ये 2 बजे तक चहल पहल होती थी इस एरिया में, अगर आप 7 बजे के बाद आएंगे इस एरिया में आपको खौफ नजर आएगा। श्रीनगर का वीराना देखा तो गुलमर्ग का भी ख्याल आया, सोचा वहां क्या होगा। सफर शुरू करते ही उस जवाब से एक मुलाकात भी हो गई। रास्ते पर एक भीड़ जुटी थी, किसी के हाथ में डंडे थे, किसी के पत्थर। ब्लॉक किया हुआ है, रास्ता जाम किया हुआ है, आप आगे नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ से आने, अब लोगों को भी तो परेशानी हो रही होगी, एसेंशियल सप्लाईज नहीं, दूध, खाने पीने की कितनी दिक्कत हो रही होगी घर वालों को। नहीं, हम उन्हें जाने देते हैं, सब जो आते हैं वो जाते हैं, हम भी पीसफुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर भी हम पे पैलेट्स बरसा रहे। उन आंखों से झलकते गुस्से को देख कर हम आगे बढ़ चले। चंद घंटों के बाद हम गुलमर्ग पहुंच चुके थे। कुछ ही दिन में बर्फ इन वादियों में लौट आएगी, लेकिन गुस्से की बर्फ कब छटेगी कौन जाने। जो हाल श्रीनगर का था वही गुलमर्ग में भी दिखा। जो वादियां कभी नहीं थमी वो इस बार ठहर सी गई हैं। कश्मीर अगर दुनिया की जन्नत है तो गुलमर्ग कश्मीर की जन्नत है, लेकिन पिछले 2 महीने से ये जन्नत भी पूरी तरह से बंद पड़ी है। ये शायद पहली बार हुआ है कि गंडोला राइड को भी रोक दिया गया है, क्योंकि यहां पर एक भी टूरिस्ट मौजूद नहीं है। कोई और भी था
जो हमारी तरह यहां सैलानियों के निशान टटोल रहा था। बशीर, जो कल तक अपने घोड़े पर लोगों को वादियों की सैर कराते थे, लेकिन आज कश्मीर के कुछ नौजवानों के पत्थर की मार इनके पेट पर भी लगी है। पता नहीं इनके जेन में क्या बात है, क्यों मारते हैं पत्थर, क्यों अफरा दफरी करते हैं, क्यों गरीबों का खाने में अफरा दफरी। हमको आटा नहीं मिलता है, हमको चावल नहीं मिलते हैं, हमको सौदा नहीं मिलता है, हमारे बच्चे छोटे छोटे वो भूखे दो दो चार चार दिन रहते हैं। जब जाएंगे किसी जगह में दल आएंगे, जब ज़्यादा अफरा दफरी होगी वो भूखेंगे क्या। होटल हिल टॉप 55 कमरों का एक शानदार होटल और पिछले दो महीने से एक सिंगल ऑक्यूपेंसी भी नहीं है, एक भी रूम नहीं लगा है। इरफान साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, हमको बताइए कि इतना बड़ा होटल है जी सर, 55 रूम्स हैं, बराबर है सर, कब से खाली पड़ा है? पिछले दो महीने से बराबर, जो लास्ट महीने के 9 तारीख को जो एपिसोड हुआ था उससे लेकर आज तक हमारे पास कोई भी गेस्ट नहीं आया। टोटल खाली पड़ा हुआ है होटल, बिल्कुल हम लोग तरस रहे हैं कि कोई एक आधा गेस्ट भी आ जाते, जो हम लोग दर्शन कर लेते हैं कि कोई गेस्ट आ गया। कितना नुकसान, मतलब एक अगर मैं इकोनॉमिक टर्म्स में बोलूं जी सर, तो कितना नुकसान, मतलब महीने के 55 रूम्स के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये तो लाखों करोड़ों का नुकसान। जी सर, लाखों करोड़ों का, मतलब अगर हमारा नॉर्मली जो हमारा काम, और ये जो हमारा सीजन था इसमें हमारे टोटल सोल्ड आउट रहते थे, 55 रूम्स ऑक्यूपाइड रहते थे, तो 2-3 लाख रुपए हमारा डेली, नॉर्मली हमारा 2-3 लाख रुपए एक दिन का ये हो जाता था, कलेक्शन हो जाता है। तो इसी तरह पूरे गुलमर्ग के जितने भी होटल है, जितना भी टूरिज्म है, वो जीरो पे बैठा हुआ है। कुछ ऐसी ही बेचारगी शकील में भी है। कुछ वक्त पहले ही 25 लाख का लोन लेकर कुछ स्नो बाइक्स, कुछ स्नो स्कूटर खरीदे थे, लेकिन अब न खाने को है और न चुकाने को। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ बातचीत हो जाए, जिसके वजह से हम भी कुछ कमा लें। हमने भी बहुत लोन लिया हुआ है सर, हमने भी बाइक्स खरीदे हुए हैं टूरिज्म के लिए। क्या वादी का हर शख्स इतना ही मजबूर है, या कुछ है जो बदलना चाहते हैं? सब कुछ पहले जैसा ही है, फिर भी बहुत कुछ बदल गया। कश्मीर का हर नौजवान इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, कुछ अशरफ जैसे भी हैं। दो महीने पहले तक अशरफ एक टूरिस्ट गाइड थे, लेकिन वादी में कोई टूरिस्ट ही नहीं है तो जन्नत की सैर कराएं भी तो किसे। मतलब ये तो समझ लिया, लेकिन मुझको ये बताइए, एक आप मजदूर की तरह एक गाइड हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, जब टूरिस्ट आएगा तभी आपको रोजगार मिलेगा। अब पिछले दो महीनों से आपके पास कोई रोजगार नहीं है जी, नहीं। तो ये बताइए कितना नुकसान होता है इस तरह से इकॉनमी का, एक आम आदमी की बात करूँ आपका। नुकसान तो बहुत कुछ हो रहा है सर, इस वजह से जो पिछले दो महीने से हालात चल रहे हैं, खासकर जो गरीब तबका है उन पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इन वजह से बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं, किसी के घर में इस वक्त खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। लॉकडाउन की जो कॉल देते हैं जी जी, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है जी, नहीं, उनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके तो तालीम का भी नुकसान नहीं होता, बिज़नेस का भी नुकसान नहीं होता जी, नुकसान तो आम कश्मीरी का होता है। आम कश्मीरी का होता है, लेकिन सर जो ये कॉल है, अगर ये पुरअमन तरीके से देखे जाए, अगर पुरअमन तरीके से रहे, इसमें किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट अगर हो भी जाता है तो पुरअमन रहे, पथराव ना हो, तोड़फोड़ ना हो, गाड़ियों का नुकसान ना हो, तो फिर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाइए बैठ जाइए। गुस्से के शोलों के बीच अशरफ ने उम्मीद की एक नई मशाल जलाई है। तंगमर्ग के स्कूल में अशरफ ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि इन नन्हे हाथों में किताब ही रहे, कोई पत्थर ना थमा दे। हर एक इदारे का पैसे का नुकसान हुआ, कामकाज का नुकसान हुआ, वो तो फिर भी
मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा पैसा, आज आज नहीं है कल आ जाएगा वापस। लेकिन इन बच्चों का जो फ्यूचर है, एक बार हाथ से चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बच्चे कुछ नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि जो भी हो रहा है वो उनके सपनों को कुचल कर रख देगा। क्या बनना चाहते हैं? जज बनना चाहती हूँ मैं। जज बनना। हड़ताल की वजह से बहुत दुख हो रहा है। अगर ये नहीं होता हड़ताल तो हमारी पढ़ाई होती और बड़ी होकर मैं जज जरूर बन जाए। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे बन जाऊंगे जज, बहुत दुख हो रहा है। ये बच्चे रोज अमन का सबक पढ़ते हैं, लेकिन वो मासूम आवाजें रोज इन बंद कमरों में ही रुसवा हो जाती हैं। लेकिन एक आवाज है जो अमन के पैगाम के साथ हर सुबह पूरे कश्मीर में गूंजती है। वो आवाज है शाहिद की। ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर, पिछले डेढ़ दशक से शाहिद की आवाज कश्मीरियों के जज्बात को अल्फाज देती आई है। लेकिन इस आक्रोश के बाद उस आवाज में भी एक कसक सी है। अगर उनको आप कहते हैं कि पत्थरबाजी कल को एक तशद्दुद का नया जरिया बन रहा है, कोई भी पेरेंट, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, कोई भी यूथ ये नहीं चाहता कि वो पत्थर लेकर के निकले। अब अगर ये एक रिवायत बन चुकी है, इसके आगे आपका पैलेट चलता है। पैलेट को बंद करने के लिए सरकार कहती है कि हम पैलेट बंद करेंगे, इसका कोई मुतबादल ढूंढेंगे। सरकार में इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि एक पॉलिसी लेकर के आए कि ना पैलेट चलाने की जरूरत पड़े, ना पत्थर चलाने की जरूरत पड़े। इन गलियों में हमारी मुलाकात एक और नौजवान से हुई। पूछा तो पता चला कि एजाज खान एक कलाकार है, हिंदी और तमिल फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। लेकिन दुनिया पर छाने का सपना अब कश्मीर की गलियों में कैद होकर रह गया है। कश्मीर में जो बड़ी दो प्रॉब्लम्स है यूथ में, वो ये है कि एक तो स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व है और दूसरा ड्रग्स में इन्वॉल्व है। स्टोन पेल्टिंग एंड दिस ड्रग्स वगैरह आया है ना, तो ये एक डिप्रेशन की वजह से है मेरे ख्याल से, क्योंकि कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, इस चीज़ को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। सब कुछ बंद है, फिर सपने की डगर में जाएं भी तो कहाँ जाएं? मसला ये पिछले लगभग 52 days, मोर देन 52 days हो गए तो बैठे हुए हैं बस। सुबह अब देखिए, इंडिया में कोई लड़का जवान बैठा है मेरी तरह से, इंडिया में दिल्ली में बैठा है, वो प्लान बनाता होगा सुबह, अगर वो एक्टर होगा, कल मुझे वहाँ पे शूट है, परसों मुझे वहाँ पे जाना है शूट के लिए, ये प्लान होंगे उनके। देखिए अब कश्मीर के हम मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं भी यूथ एज यूथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मेरे साथ क्या है, मैंने अपना प्लान बनाया होता है शाम को, कल तो कर्फ्यू ही है तो सुबह मुझे ब्रेकफास्ट करना है, फिर एक दो घंटे लैपटॉप पे गुजारूंगा, फिर थोड़ा सा टीवी देखूंगा और शाम के 8 बजे से 11 बजे तक मुझे डिस्कशन सुने हैं टीवी पे, कहां से क्या हो रहा है, अब क्या हो जाएगा फैसला, लेकिन जिनका कोई हल हो नहीं रहा है। एजाज जैसे बहुत से नौजवान हैं जिनका भविष्य कश्मीर के वर्तमान में जल रहा है। उनका रास्ता रोक कर खड़े हैं उनके ही कुछ हमउम्र, जिनके सीने में तूफान है और हाथों में पत्थर। लेकिन ऐसा क्यों है ये समझना भी हमारी जिम्मेदारी थी। जब हम सुबह निकलते हैं ना तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना होता है, और इंशाल्लाह मुझे ना गोली की कुछ परवाह ना पैलेट की। सोचने वाली बात है, मैं पत्थरबाज हूँ, मैं पत्थर मारता हूँ, मुझे पता है वहाँ से गोली है, मैं अपनी जान के लिए 500 रुपये नहीं लूँगा। हम एजुकेटेड यहाँ पे पर्सन बैठे हैं, हम इलिटरेट नहीं है, हमारे इतने नौजवान जख्मी हो गए तो मैं अभी पैसे कैसे ले सकता हूँ। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इंडिया का है, एक ही हिसाब से देखना पड़ेगा ना सभी को, पर भी हमारे इतना नफरत करता है, हमारे ऊपर पेट्रोल पम्प फेंकता है।
इस दौर में ए दोस्त ये मंजर क्यों है, हर सिर पर जख्म, हर हाथ में पत्थर क्यों है। पत्थर चलाना हमारी मजबूरी है। देखिए, या तो पत्थर उठाना है या तो बंदूक उठानी है। बंदूक हम उठा नहीं सकते। जब हम सुबह निकलते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना होता है, और इंशाल्लाह मुझे ना गोली की कुछ परवाह है ना पैलेट की। शायद कुछ भटके हुए नौजवान, शायद जज्बातों में बहते हुए नौजवान, जो कश्मीर की चिंगारी को शोलों से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने चमन के रखवाले, ना डरते हैं ना झुकते हैं, सोचने वाली बात है। मैं पत्थरबाज हूँ, मैं पत्थर मारता हूँ, मुझे पता है वहाँ से गोली है। मैं अपनी जान के लिए 500 रुपए नहीं लूंगा। हम एजुकेटेड यहाँ पे पर्सन बैठे हैं, हम इलिटरेट नहीं है। हमारे इतने नौजवान जख्मी हो गए, तो मैं अभी पैसे कैसे ले सकता हूँ। ये नहीं जानते कि कश्मीर के भविष्य के लिए वर्तमान को जला देना फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं रोज रोज मारूं। रोज रोज मारने से बेहतर है मैं एक साथ मारूं। ये पत्थर चंद नौजवानों का जुनून है, और इस जुनून में अक्सर मर्यादा की लकीरें भी मिट जाती हैं। आईएसआईएस का झंडा लहराना यहाँ पे कश्मीर में, वो मैं नहीं समझता हूँ ठीक है। हम क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस। पाकिस्तान का फ्लैग हम यहाँ इसलिए चढ़ाए ताकि इंडिया चिढ़े। कभी कभी कुछ हादसे इस आक्रोश को हवा देते हैं। कुछ रोज पहले ऐसा ही एक हादसा हुआ था श्रीनगर के रियाज अहमद के साथ, जो शहर का एक एटीएम गार्ड था। लेकिन गलत फहमी में वो सुरक्षा बलों की गोली का शिकार बन गया। हमारे लिए अफरोज की बहन के अल्फाज समझना मुश्किल था, लेकिन उस दर्द को शायद शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। शरीफ थे, उसको पता ही नहीं है पथराव कहाँ से होता है। बहुत शरीफ थे, खाली एटीएम पे होते थे, फिर घर आते थे, बस घर में रहते थे। बेगुना उसको मारा बस। बेगुना तो वो भी था जो वर्दी की खातिर लड़ा, जो कश्मीरी था लेकिन अपनी सरजमी पर तिरंगे को झुकने नहीं दिया। जो दर्द उधर था, कुछ वही दर्द इधर भी दिखा। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही अफरोज का घर है। 10 जुलाई की शाम उनकी कार को कुछ दंगाइयों ने झेलम नदी में धकेल दिया। हम तो मर चुके ही हैं। जब कमाने वाला कोई नहीं, तब हम बूढ़े आदमी हैं। बाप भी इसका बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ा हूँ। ये जो बहने हैं, ये क्या कमाएंगी। जब मुस्तकबिल में सिर्फ अंधेरा हो, तो कमाई की फिक्र किसे होगी। अफरोज की बहनों को पैसे की फिक्र नहीं है, बस यादें हैं तो उस भाई की जो उन्हें पढ़ाना चाहता था। 4.5 साल हो गए थे इसको पुलिस में गए, मतलब यही सपने थे कि मतलब घर में अच्छे से मतलब कमाऊंगा। बहनों को मतलब वो मुझे कहती थी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब जितना मुझे हो सके, मतलब यही सपने थे उसके। अफरोज घर में अकेला कमाने वाला था, जिसके साथ पूरे परिवार के सपने जैसे दफन हो गए। हमारे मकान अभी भी जलाएगा, आप भी जलाएगा, हम तो खुद आपके हाथ में माचिस देगा और तेल देगा, तो ये जलाओ हमारे कुछ। कश्मीर की ये खूबसूरत पोस्टकार्ड तस्वीरें आपने देखी होंगी, कश्मीर के बदनुमा दाग हमने आपको दिखा दिए, लेकिन इस सब के बीच कहीं ना कहीं वो जवान पीछे रह जाते हैं
जो अपना फ़र्ज़ निभाने यहाँ आते हैं। देश के कोने कोने से हज़ारों जवान यहाँ पर अपनी ड्यूटी करने आते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है कि उन्हें रोज़ाना पत्थरबाजी का, हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनको ज़ख्म मिलते हैं और वो ज़ख्म उनके साथ साथ उनके परिवार वालों तक भी पहुँचते हैं। गुस्से को पत्थरबाजी में निकालना फिर भी आसान है, लेकिन दर्द को सीने में ही दबा लेना बहुत मुश्किल। इस अस्पताल में दर्जनों सिपाही रोजाना यही करते हैं। सरहद होती तो कोई बात नहीं, अपनों के बीच लड़ें भी तो किससे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इंडिया का है, हमको उसी से एक ही हिसाब से देखना पड़ेगा ना सभी को। हम कर रहे हैं, फिर भी हमारे इतना नफरत करता है, हमारे ऊपर पेट्रोल पंप फेंकता है, ग्रेनेड फेंकता है, गोली मारता है, पत्थर के साथ ग्रेनेड भी फेंक देता है और बोतल में पेट्रोल भर के गाड़ी में आग लगा देता है। आपकी क्या इंजरी हुई? इंजरी सर इसमें पत्थर लगा था, ये जॉ टूट, ये टूट, ये फ्रैक्चर हो रखा है सर, ऑपरेशन हो रखा है, कल दो तीन जगह में फ्रैक्चर हो रखा है। फौजी भी इंसान है तो गुस्सा भी आता होगा, लेकिन ये हाथ फर्ज से बंधे हुए हैं। तो नौकरी है सर, नौकरी में गुस्सा आने से क्या कर सकते हैं, वो तो जनता जो चाहेगी वही करेगी, उससे तो बचना है, उसको काबू में करना है, जो समय को काबू में करना है। तो उधर बहुत पथरा हुआ, पथरा हुआ, कुछ हद से पत्थर मारा, मैं एलएमई माउंट था ऊपर, तो जो ऊपर से पथरा मारा ना, उसमें ये अंदर वाली जाब अंदर घुस गई थी। तो उसके बाद मैंने हाथ से अपनी पकड़ के साइड में की, उससे अभी मेरे ये चार दांत हिल गए। इस अस्पताल में हमारी मुलाकात एक कश्मीरी सिपाही से हुई जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी पहचान की कीमत उसका पूरा परिवार चुकाएगा। आप चेहरा भी रिवील नहीं कर सकते, क्यों इतना खौफ पैदा किया हुआ इन स्टोन बिल्डर्स या लोगों ने? देखो, इनका मेन रीज़न ये लोग यही चाहते हैं कि हम जो हम डिफेंस की सर्विस कर रहे हैं ये छोड़ दें, मेन रीज़न यही है। अभी हम इस कुछ नहीं कर सकते सर इसके बारे में, क्योंकि ज्यूरिंग ड्यूटी हम लोग इन यूनिफॉर्म होते हैं, उस टाइम हमारे पास फुल डिफेंस होता है जी। जब हम लोग छुट्टी पे जाते उस टाइम हमारे डबल खतरा बन जाता है, क्योंकि हम सिविल में आ जाते हैं उस टाइम। परिवार को लेकर तो बड़ी चिंता रहती होगी? परिवार को चिंता तो है ही सर, लेकिन क्या करें, देश का भी जो वर्दी पहन ली इसका भी तो फर्ज है हमारे ऊपर कुछ। जाहिर है कश्मीर में अपना फर्ज निभा रहे हमारे जवानों के लिए जिंदगी उतनी ही मुश्किल है जितनी किसी आम कश्मीरी के लिए। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं। CRPF काफ़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस प्रकार की एजुटेशन उन्होंने कई जगह देखा है, और ना तो उन्हें रिवेंज है, ना किसी प्रकार से बदले की भावना है, वो एक बिजनेस लाइक तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। जैसी स्थिति है उसी प्रकार से उनका बर्ताव है, उनका जो रिस्पॉन्स है उसी प्रकार से है। ये सच है कि इस हिंसा में अब तक 6,000 से ज्यादा कश्मीरी नागरिक घायल हुए, लेकिन ये भी सच है कि सुरक्षा बलों के करीब 5,800 जवान भी पत्थरबाजी में जख्मी हुए हैं। पिछले 60 दिनों में करीब 71 नागरिकों की मौत हुई, तो सुरक्षा बलों के भी 3 सिपाही शहीद हुए। दर्द दोनों तरफ गहरे हैं तो वजह भी गहरी ही होगी। हमें बताया गया कि वजह तलाशनी है तो श्रीनगर के डाउनटाउन में जाइए, जहां 2 महीने से टीवी का कोई कैमरा नहीं पहुंचा। करते हैं आप लोग।
अच्छा जब हम एक चार्ज करते हैं तो उस पर टायर गैस लगाते हैं और वो क्या बोलते हैं पैलेट लगाते हैं। श्रीनगर का सबसे बड़ा रिहायशी इलाका जो फिलहाल थोड़ा खामोश था, लेकिन वो शोले कब धधक उठे कोई नहीं जानता। ये वही जगह है जहां अब तक पत्थरबाजी की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। छोटी छोटी गलियों में छिपे दर्जनों पत्थर अचानक हमला करने लगे। रोकना इसलिए मुश्किल था क्योंकि दंगाई उन गलियों से वाकिफ थे, जबकि सुरक्षा बलों को इलाके की भनक तक नहीं थी। फिलहाल वो घटनाएं थमी हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई। हमें बताया गया कि डाउनटाउन में अब तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा, इसलिए उस इलाके की नब्ज टटोलना जरूरी था। डाउनटाउन के ज्यादातर रास्ते बंद थे। पूछने पर पता चला कि ये सब कुछ सुरक्षा बलों से बचने के लिए है। वहां पहुंचने के लिए हमें भी तमाम मिन्नतें करनी पड़ी। अंदर तक आए तो एक अलग ही माहौल था। सैकड़ों की भीड़ के बीच एक रैली चल रही थी। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से जब आप कश्मीर को देखते हैं, कश्मीर के मसले को समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद आपके जहन में ये तस्वीर नहीं आएगी, लेकिन ये कश्मीर की हकीकत है। यहाँ इस तरह के सिटिंग, इस तरह के धरने, इस तरह के जलसे आम हैं। कश्मीर के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, नमाज के बाद लोग इस तरह से इकट्ठे होते हैं और अपनी मांगों को बार 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 दोहराते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो श्रीनगर के हालातों की एक और तस्वीर दिखाई दी। हम कश्मीर के दर्द की बात रोज करते हैं, लेकिन कश्मीर की नब्ज तक हम नहीं पहुंच पाते और उसी सबसे बड़ी वजह है कि हम ग्राउंड जीरो पर नहीं होते। ये कश्मीर का ग्राउंड जीरो है, श्रीनगर का जामिया मस्जिद का चौक, जहां पर ना कोई रिपोर्टर पहुंचता है, ना कोई कैमरा पहुंचता है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच पाती है। हमको 3 घंटा लगा है यहां पहुंचने में। सवाल यह है कि आखिर कश्मीर के जख्मों को समझने के लिए जब आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो वहां बैठकर फैसला कैसे करेंगे। कैमरा देखते ही लोगों की भीड़ जुट गई और उन खामोश गलियों में नारे गूंजने लगे। कुछ लोग भी मिले जो हालातों से नाराज थे, जिन्हें हक भी चाहिए और समस्या का हल भी। यहाँ हम आते ही नहीं, ना आने देते। अच्छा जब हम एक जांच करते तो उस पर टायर गैस लगाते और वो क्या बोलते हैं पैलेट लगाते। पत्थर उठाना उनकी मजबूरी है तो अमन को लौटाना इनकी जिम्मेदारी। ना इन्हें कुछ मिला ना उन्हें कुछ मिला। जो ये चाहते हैं वही वो भी चाहते हैं कि जन्नत को जन्नत ही रहने दो, कोई नाम ना दो। ये श्रीनगर का लाल चौक है जहां कभी भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन आज वीराना पसरा है। लेकिन इस वीराने में भी चंद आवाजें गूंज रही हैं, कुछ उन वादों की जो किए गए और भुला दिए गए, कुछ उन बातों की जो यहाँ हर बार होती हैं लेकिन जिनका कोई हल नहीं निकलता, और कुछ उन लोगों की जो यहाँ आते हैं, इस वादी की खूबसूरती को अपने आँखों में बसाते हैं लेकिन दिल में नहीं उतार पाते। वक्त है आगे बढ़ने का, वक्त है एक नई पहल करने का, वक्त है इस वादी को दोबारा खूबसूरत बनाने का। कैमरामैन निज़ाम के साथ सैयद सुहेल, श्रीनगर, IBN 7।